हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, मैं इंट्रो आउट्रो के साथ ही अपनी इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। तो आज का व्लॉग होने वाला है दशहरे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको अभी अपने दशहरा मेले वाले व्लॉग में बताया था। दशहरा मेले वाले व्लॉग को आप काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हो, करते रहो, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आगे जाओ, इंजॉय करो, बहुत अच्छा रावण बना था, बहुत मज़ा आया। तो आगे मिलते हैं। गाइस, आज है 14 अक्टूबर और आज हमने रावण बनाना लगभग कल से शुरू कर दिया था, आज से हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे। मेरे साथ है अभी गौतम, यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन लगी है, चार्जर वगैरह ट्राइपॉड पड़े हैं और ये हमने कल काट के रखा था, इसको जोड़ेंगे। और ये अभी हम फिलहाल कुछ पटाखे लेके आए हैं और लेके आएंगे। ये बिजली बम के 2 पैकेट हैं और ये आलू बम है और ये पूरी स्टैक है मुर्गी बम का, कट्टी है नू कैंची नाल। अभी हम मेरे घर पे हैं और यहाँ से ही बनाना शुरू कर रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं। ये काफ़ी सारे पीस है अपने पास, काफ़ी सारे पटाखे डल जाएंगे अभी, और पटाखे की ज़रूरत पड़ी साइज़ के हिसाब से तो और लेंगे। वैसे मुर्गी बम की तो और ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो आलू बम वगैरह की पड़ेगी, धमाका होगा धमाका। और ये अपना स्पीकर है काम करते करते गाने वगैरह सुनने के लिए। चलो भाई शुरू करते हैं, आगे लेट हो गए। तो अभी हमारा प्लान है कुछ ऐसे कार्डबोर्ड का बनाने का। अभी हम कार्डबोर्ड के 2-3 पीस हैं हमारे पास, उनको जोड़ेंगे और उसका फेस हम इस चीज़ से बनाएंगे। ये हमने फ़ोन मंगाया था तो उसका बॉक्स है, इसके आगे पेपर वगैरह लगा के और इसको डेकोरेट करके इसका हम रावण का फेस बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग तो आए नहीं, अभी हम ही स्टार्ट करते हैं। इसे हमने गोल शेप दे दिया, सर्कुलर शेप, और इसके जो एंड्स थे उनको भी अच्छे से जोड़ दिया है, बस एक ये वाला एंड रहता है, इसको जोड़ेंगे अब हम। ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है फिलहाल, सर्कुलर शेप तो आ गया। अब इसके अंदर हम स्टिक्स लगाएंगे और इसके ऊपर वो क्रैकर्स लगाएंगे। अरे गौतम पानी पी रहा है। तो गाइस अभी मैं अकेला हूँ और मैंने इसके साथ सेम बना लिया था, गौतम चला गया था अपने घर, अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ, ये देख सकते हो। अभी ये थोड़ी आपको शैबी लुक दे रहा होगा पर आगे जाके ये आपको सही दिखेगा। तो अभी मैं इसको प्रॉपर जोड़ के आपसे मिलता हूँ। शान भाई लगा रहे हैं ग्लू, कैसा एक्सपीरियंस है भाई? एक्सपीरियंस क्या है इसमें, आके कभी ऐसा काम किया? नाइस। तो दांत कट्टे जा रहे हैं, तू भी हेल्प करा दे। अरे दांत कट्टन दे, पैसे देते हैं। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर तक बना के। शक्ल तेरी बहुत गंदी वैसे देख लिया मैं। तो गाइस अभी ये कुछ ऐसा बना है, हमने यहाँ पे पेपर के साथ इसको चिपका दिया, अभी पेपर के ऊपर हम ग्लू डालेंगे और ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो हाँ जी गाइस, अभी कैसा कुछ दिख रहा है, जो हमारा रावण, जो भी पैचेस थे या जो भी हम जहाँ पे भी हमने जॉइंट लगाए थे वहाँ पे हमने न्यूज़पेपर और ग्लू की कोटिंग कर ली, जैसे हमने पीछे देखा, और इसे बेस के साथ भी जोड़ दी है। यहाँ से भी थोड़ा गिल्ला है, मतलब मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर चिपक चुका है, आप देख सकते हो, यहाँ से भी प्रॉपर सारा चिपक चुका है, यहाँ पर सारा बढ़िया तरीके से चिपक गया है हमारा रावण। The next morning. तो हाँ जी गाइस, आज है day 2 और कल आपने देखा हमने वो बना लिया था, आज सुबह उठ के हमने ये कुछ ऐसा फेस तैयार किया है। तो अभी हमने इसके और भी पार्ट्स के ऊपर ग्लू लगानी है, हमारे पास अभी शौर्य आ गया, बाकी आ रहे हैं। तो चलो आप टाइम लैप्स देखो हम कैसे बना रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा कुछ ऐसा इतना बना है, गौतम मैंने और शौर्य ने मिलके बनाया, इसको कवर किया था। ये देखो ये सारा खाच मच मारा हुआ है। शौर्य बता दे कौन है तू, फुटबॉल चैंपियन है बस। नहीं लगाने की जरूरत थी, तो अभी ना हम हल्के पटाखे डाल गया, उसके लिए हमने दिया ये डोर लिया और रिटर्न लिया, तो उसके लिए हमने पहले ही उधर
वो लोग उधर आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर से ऐसे निकल पास कराओ और ऐसे हैंड में ले लो। ऐसे और ऐसे अगर आपने उसके अंदर आलू बनाया, आलू को ऐसे पकड़ो थोड़ी सी लो, ऐसे लो और इसके उसमें ऐसे घुमा लो और फिर गांड मार दो ऐसा लगे। अब पूरी आपको ऐसे डोर बना के आपको मिलते हैं। तो ये देखो ऐसा कुछ हमने बनाया अभी, सारी गाइड आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। देखो इसके अंदर ऐसे इसको डाल के गाइस, अभी हमने ये रावण की बाजू भी बना लिया है, ये रही बाजू और बाकी सब सामान लेने गए हैं। आयुष यहाँ पे ग्लू लगा के अखबार चिपका रहा है, इसके अंदर पटाखे वगैरह भर दिए दोनों साइड पे, यहाँ पे कटिंग हो रही है इसकी। तो अभी मैं दूसरी बाजू बना रहा हूँ, पटाखे वगैरह भर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी आपको आगे के इन्फॉर्म करते हैं और पटाखे वगैरह और सामान लेने गए हैं वो लोग। तो चलो मिलते हैं आगे। A few moments later. मैं कुछ सामान लेने गया था पीछे से, आयुष उन्होंने देखो ये सारा पेंट वगैरह कर रहे हैं इस रावण को, और ये बाजू देखो इन्होंने कैसी लगाई उस सियाने बच्चों ने मेरे बिना, और गौतम ने लगाई है ये बाजू उसके। अब पटाखे वगैरह ग्लिटर शीट्स ले आए हैं और शीट्स बाकी की भी ले आए हैं, तो आपको दिखाते हैं अब क्या। तो हाँ जी गाइज, अभी हम पेंट करके हटे हैं, हाथ पूरे देखो फेस पे भी पेंट आ गया, शौर्य अभी फिनिशिंग दे रहा है, पूरा पेंट कम्प्लीट कर लिया हमने। अब इसके ये देखो ये गौतम ने बाजू बनाई है अपने जैसी, मैंने बनाई बाजू, थप्पड़ मारू करे गौतम ने बनाई है, मैं कुछ नहीं किया, मैं था क्या आज का, फिर मैंने नहीं बनाई है, ये गौतम लेके आया फूस फ्रूसरी फूस ही क्या है, इसको अंदर भरेंगे अब, इसके बोरा भर के लेके आया पूरा। गौतम हमारा रावण किससे अच्छा बनेगा, रावण हो गया फेस तैयार। और ये काम कम कर रहे हैं, बातें ज्यादा कर रहे हैं, इनको काम करने के लिए भी बुलाना चाहिए थे, बंदे गलत हैं। और ये तो कुछ सिरे का ही वेला सिरा, कैमरे के आगे काम करने के लिए करता। ये रहा गौतम, कोई काम नहीं किया, और ये ऐसा कुछ हमारा फेस दिख रहा है अभी यहाँ पे पीछे लगेगा, ऐसी कुछ आईज बन रही है, और ये रहा पेंट, ये पेंट अभी उस बाजू पे करेंगे और इस बाजू पे करेंगे, और जेट ब्लैक रावण है, जेट ब्लैक रावण। यहाँ पे टेप लगी है तो नहीं हो रहा है यहाँ पे पेंट, अंदर भी दिखा दे बाकी तो कपड़ा आ जाएगा, बाकी अंदर देख सकते हो ये डोर के साथ पटाखे वगैरह, हमने नहीं ये पागल लग रहा है मेनू, तो छाड़ क्या देती है, एक मिनट रोक जी। तो गाइस ये बन रहा है व्लॉग, यार आज एक बार निकली हुई है, रुक जा आ लड़ी आंदे है, ए तुसी रावण बनाना नहीं तोड़ देना है भाई, देखो ये मैंने पहले दिखाया था, ये मैंने बनाई है और पुरानी वाली इसमें बहुत फर्क है, ये देखो ये भी मैंने बनाई, ये भी मैंने बनाई, इसको मैंने ठीक किया, ये गौतम ने बना दी, गंद पाया था, चल मैं अपने अर्गे सुकिया सुकिया, गौतम जब जिम लगता की करता है बोलो दिमाग से काम नहीं लेना था, दुकान नहीं चलाई, कैमरा क्यों लगाया फिर, हाँ भाई भाई सेम वर्डिंग मेरे जैसी बोलता है, मैंने भी कैमरा ना लाइव भी रखा करूं, रिकॉर्डिंग हो गई यार, ये इनके दिमाग है नहीं, इन्हें चलाने दुकान नहीं, क्या बोलूं मैं, दशहरे वाले दिन लोग अपना फायदा करते हैं नुकसान करते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा रोके दिखा यार सो लगे तेन इधर होना याद कर देसी के लड्डू खाऊंगा पर तेरे पान तो ज्यादा नहीं है वो आ जा पहले रोक के दिखा चप्पल ले आओ अंदर से पहले इधर जोड़ लेंगे तुसी
भाभी हमने पता क्या सोचा इस बार रावण के हाथ में एक गिलास एक सुट्टा और इसके मुंह में मास्क लगा एक के मोटी चावल का डाल दिए चल हाथ रखो मैं कहीं जा नहीं चल चल अंदर ही रखो किधर तेरे सुनना फिर कहेंगे यार गलत है यार नहीं बुलाया तूने मेरे झूठे झाटे की नहीं भेजी यार वीडियो बना की रहे हैं क्यों मोटी नो अपने उसके टोका फड़ाया उसके हाथ में तो बदमाश गाइस ये मैंने रावण के लिए नत्तियां बनाई हैं जो आजकल पंजाब में फेमस है कन्नी नत्तियां बीच में आर लिखा है आर फॉर रावण और ऐसा कुछ लिख रहे हैं इसका फेस हम आपको बाद में दिखाएंगे तू ऊपर से पकड़ ले मुंह इधर नु करियो अपने घर में रखे सामने अब हाथ से हाँ जी गाइस लग गया हमारा रावण यहाँ पे और ये हमारा रावण इसके हमने कान में भी आर लगाया और यहाँ भी आर लगाया तो अभी हम इसकी कोई थोड़ी सेटिंग करने लगे तो हाँ जी गाइस यहाँ पे हमारे नेबर्स भी आ चुके थे हमारा रावण दहन देखने ये मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ वहाँ पे मैं के पास टाइम नहीं था व्लॉग करने का तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा था trying to see through your flaws cause I know that you got so much more to give you guys humne baal bhi banaye hain iske oye oye baal tut gaya humne iske baal bhi banaye ode laga reha yaar kubaan na pade होती है और होली होली चलेंगे अभी बाहर आग लगी है हर बार की तरह बस हो गया बाबा
ये अब भाई उसका फोन आ रहा है, मैंने काट दिया। ईशान आयुष का फोन आ रहा है। आलू बम तो फूटता है, वही तो डाले नहीं, ये वाला हर ऐसे ही फूटता। पहले वाले इसके अंदर ज्यादा दम था। तो हाँ जी गाइस, आ गए हो आप लोग ब्लॉग देख के। तो आज का ब्लॉग यार काफ़ी लंबा बना, पर मज़ा भी बहुत आया। हमने काफ़ी मेहनत से 2 दिन के अंदर अंदर ही 5-6 फुट के बीच का रावण तैयार किया, और गौतम ने यार खब भी पूरी पूरी पाई और हमने मेहनत भी पूरी पूरी की। आज देख सकते हो भाई, मैं काला कुर्ता पजामा डाला और पूरा रावण का भाई लग रहा हूँ मैं। कुंभकर्ण लगा लो नहीं मैं कुंभकर्ण नहीं हूँ, वो तो सारा दिन सोता रहता था। तो भाई जहाँ तक आ गए हो तो व्लॉग को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम या कोई भी अच्छा सा कमेंट करो, और बस व्लॉग आगे बढ़ाते रहो। अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी मंडे को। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।